आइए आप सभी का स्वागत है देखें और सीखें द नीटिंग चैनल में। तो मैं सबके लिए एक थाल पुछ लेके आई। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चेन बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच और ये छः। छः चेन बनाने के बाद सबसे फर्स्ट वाली चेन पे हम इस तरह से जोड़ देंगे स्लिप स्टिच से। अब यहाँ पे हम चेन बनाएंगे, एक दो और ये तीन। तीन चेन बनाने के बाद जो हमारी छोटी सी रिंग बन गई है इसके अंदर डालते हुए टोटल हमें 17 डबल क्रोशिया बनाना है, और ये चेन को भी काउंट करेंगे तो टोटल हमारे पास 18 डबल क्रोशिया हो जाएगी इस तरह से। और यहाँ पे ऊन की बात कर लूँ तो यहाँ पे ऊन मेरी 4 ply है ओसवाल की है, और यह 3.0 mm क्रोशिया है। आप इसे 12 नंबर क्रोशिया से भी बना सकती हैं। तो टोटल यहाँ पे 18 डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट करते हैं, यानी 18 डबल क्रोशिया बनाना है आपको इसके अंदर। तो 18 डबल क्रोशिया बना लेती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए हमने 18 डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट कर लिया। सबसे पहले जो हमने चेन बनाई थी, एक दो और ये तीसरे नंबर की चेन पे हम इस तरह से स्लिप करेंगे और पहले चेन से निकाल लेंगे। अब यहाँ से हम चेन बनाएंगे, एक दो और ये तीन। अब इस राउंड में हमें सभी के ऊपर दो दो डबल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए इस चेन के ऊपर जो हमने चेन बनाई है यहाँ पर, इसके अंदर फिर से डालेंगे और एक डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये हमारी दो डबल क्रोशिया हो गई। फिर दूसरे नंबर चेन पर डालेंगे, यहाँ भी हम दो डबल क्रोशिया करेंगे, यानी पूरा राउंड 2-2 डबल क्रोशिया करते हुए हमें करना है। अब थर्ड वाले चेन पे डालेंगे, यहाँ भी 2 डबल क्रोशिया करेंगे। फोर्थ चेन पे डालेंगे, यहाँ भी 2 डबल क्रोशिया करेंगे। चलिए पूरा राउंड इसी तरह से कर लेते हैं 2-2 डबल क्रोशिया करते हुए। यहाँ पे हमारी सेकंड राउंड कंप्लीट हो गई। फर्स्ट राउंड में देखिए हमने बनाया था, और यहाँ पे 2-2 करते हुए बनाया हर एक चेन पे। अब सबसे फर्स्ट वाली जो चेन है हमारी, यहाँ पे इसे स्लिप करते हुए जोड़ेंगे, चेन बनाएंगे, एक दो और ये तीन। इसी जगह फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो पहली चेन में हमने 2 डबल क्रोशिया बना ली, इस चेन को भी काउंट करेंगे। सेकंड वाली चेन पे 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। थर्ड वाली चेन पे फिर से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी 2 डबल क्रोशिया बनाना है। इस राउंड में आपको 2-1-2-1 इस तरह से करते हुए बनाना है, यानी फर्स्ट में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 डबल क्रोशिया। अब फोर्थ चेन पे डालेंगे 1 डबल क्रोशिया, फिफ्थ में डालेंगे 2 डबल क्रोशिया, सिक्स में डालेंगे 1 डबल क्रोशिया। इस तरह से करते हुए ये राउंड हम कंप्लीट करेंगे। पहले में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरे में 1, तीसरे में 2, फिर चौथे में 1, फिर पांचवे में 2, छठे में 1। इसी तरह से करते हुए ये राउंड हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे हमारी तीसरी लाइन भी कंप्लीट हो गई। चेन पे डालेंगे और स्लिप करते हुए पहले चेन से निकाल लेंगे। फिर से तीन चेन बनाएंगे, एक दो और ये तीन। जहाँ से हमने बनाया उसी जगह फिर से हम डालेंगे और एक डबल क्रोशिया और बना लेंगे हम, यानी पहली चेन में डालते हुए हमने 2 डबल क्रोशिया बना लिया। अब दूसरे नंबर चेन पे डालेंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीसरे नंबर चेन पे डालेंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, चौथे नंबर चेन डालेंगे और यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। पहले में 2, फिर 1, फिर 1, फिर 2। अब देखिए यहाँ पे डालेंगे, पांचवें नंबर पे डाला हमने 1 डबल क्रोशिया, छठे नंबर चेन पे डाला 1 डबल क्रोशिया, सातवें नंबर पे डालेंगे और यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी 2 चेन के बाद हम एक फंदा बढ़ाएंगे यहाँ पे। देखिए पहले 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 डबल क्रोशिया, फिर से 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से करते हुए हम यहाँ पे फोर्थ राउंड भी कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे हमारी चौथी राउंड भी कंप्लीट हो गई, 1, 2, 3, 4। देखिए यहाँ पे चेन बनाए हमने, 1, 2 और ये तीन। तीसरे नंबर चेन पे जाएंगे हम और स्लिप करते हुए पहले चेन से निकाल लेंगे। यहाँ पे चेन बनाएंगे, 1, 2 और ये तीन। फिर से हम पहली चेन में ही हम 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे।
दूसरे चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीसरी चेन में भी हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, चौथी चेन में भी हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और पांचवी चेन में हम अब दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस बार इसी तरह से आपकी लाइनें बढ़ती हुई जाएंगी। कभी जैसे हमने यहाँ पे देखे, एक दो तीन फंदों के बाद हमने फंदा बढ़ाया, फिर चार फंदे के बाद बढ़ाएंगे, फिर पाँच के बाद, फिर छः के बाद, फिर सात के बाद, फिर आठ नौ दस, इसी तरह से करते हुए जितनी बड़ी आपको थालपोस चाहिए उतना बड़ा आप इस तरह से बना लें। लेकिन पहले मैं आपको दो बनाना है, उसके बाद एक एक करते हुए जाना है, उसके बाद फिर दो बनाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे पहले में एक बनाया, उसके बाद दूसरे में, पहले में दो, दूसरे में एक, तीसरे में एक, चौथे में एक, पाँचवे में मैंने बढ़ाया। अब अगली राउंड में मैं छठे में बढ़ाऊँगी, एक दो तीन चार पाँच छः, इस तरह से करते हुए पूरी हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको कि आगे किस तरह से ये बनेगी। बढ़ाते हुए जाना है आपको। तो यहाँ पे देखिए हमारी थालपोस बनके रेडी हो गई है। यहाँ पे मैंने 10 राउंड तक इसकी कंप्लीट की हुई है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ और ये 10। तो 10 फंदों में मैंने कितने फंदों के बाद यहाँ पे हमने फंदे बढ़ाए। देखिए शुरुआत में आपको दो डबल क्रोशिया करना है, उसके बाद एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ में मैंने एक एक डबल क्रोशिया किया हुआ है, अलग अलग चेन में एक एक डबल क्रोशिया करना है। नौ वाली जो हमारे पास डबल क्रोशिया है उसके ऊपर हमने दो बनाए, फिर एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ बनाना है आपको, एक एक डबल क्रोशिया अलग अलग चेन पे, और नौ वाली जो हमारी चेन है, नाइन्थ वाली जो चेन, उसमें हम दो बनाएंगे। इसी तरह से करते हुए अगर इससे भी बड़ी बनाना चाहते थे इसके अगले राउंड में, फिर से आप इसमें बना लें नौ, फिर अलग अलग डबल क्रोशिया बना लें। दसवें में फिर से आप दो डबल क्रोशिया बनाएँ, इसके अगले राउंड में फिर 10 बनाएँ, ग्यारहवें में फिर दो बनाएँ। इसी तरह से करते हुए राउंड हमारी कम्प्लीट हो जाती है। अब इसके बाद इसमें किस तरह से बनेगी आगे, सबसे पहले तो हमने प्लेन थालपोस बनाया, इसमें आप कोई भी आकार देके इसमें बना सकती हैं, कोई भी इसमें बीच में फ्लावर अलग सा डिजाइन डाल के बना सकती हैं, या फिर आप इसमें कुछ पैच बना के इसमें लगा सकती हैं साइड में। तो ये वीडियो अब नेक्स्ट में क्या बनेगी इसके ऊपर वो मैं आपके लिए लेके आऊँगी। तक आज की वीडियो यहीं तक है, फिर मैं कुछ नया लेके आती हूँ आप सबके लिए। अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दें।